हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारी स्टूडेंट बैठी हुई हैं और इनके सवालों का आज हम जवाब देंगे। यहाँ पर हम समझेंगे को हम कैसे यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर को लेकर के वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी। दूसरा कि लीब्रा राइटर की बात करेंगे, जो लीब्रा ऑफिस जो सॉफ्टवेयर का पैकेज आता है उसमें एक लीब्रा राइटर भी आता है, तो इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे लीब्रा राइटर पे क्लिक करके लीब्रा राइटर को ओपन कर लेता हूँ। लीब्रा राइटर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर फॉर्मेट पेंटर नाम की आपकी आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हेलो आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे कुछ लिख दिया हमने, ठीक है। और अब इसको सिलेक्शन में लेना है तो यहां से माउस से हम सिलेक्शन में ले सकते हैं। बोल्ड करना है यहां से जाके बोल्ड कर देंगे। कंट्रोल बी ही शॉर्टकट की होती है यहां पर भी। अगर फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो यहां पर चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। देखिए यहां से मैं आ जाता हूं कहां, एमएस वर्ड पे, ठीक है। ये एमएस वर्ड है, ओके। अब एमएस वर्ड में अगर हमें सिलेक्शन में लेना है, सिलेक्शन में ले लिया हमने, बोल्ड करना है, कंट्रोल बी ही शॉर्टकट की होती है, दोनों में ये चीजें सेम है, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट की साइज बड़ा करने की शॉर्टकट की जो होती है वो यहां पर एमएस वर्ड में बात कर रहा हूं, यहां पर होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, ओके। और छोटा करने की साइज क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, ओके। तो ये एमएस वर्ड की बात है। अब हम बात कर लेते हैं लीब्रा राइटर की, तो लीब्रा राइटर पे चलते हैं। तो ये हमारा लीब्रा राइटर है, ठीक है। अब यहां पे वही चीज की कुछ हम इस पे लिखते हैं फिर से, इसमें भी गैप दे दिया, ठीक है। समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया है। अब इसको सिलेक्शन में ले लिया हमने, आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे यहां से जाकर के, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको बड़ा करना है तो क्या हम कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से बड़ा कर सकते हैं? करिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस कीजिए एक साथ। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यहां काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये, यानी कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाला निशान जो है उसको प्रेस करना होगा। तो आप कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कीजिए, शिफ्ट भी नहीं दबाना है आपको, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये देखिए, ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप प्रेस करेंगी तो ये जो है क्लोज मतलब छोटा होता जाएगा, ठीक है, साइज जो है श्रिंक करेगी। और अगर ओपन के बजाय क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आप प्रेस करेंगी तो इसकी साइज जो है बढ़ती चली जाएगी। देखिए, कंट्रोल के साथ एक बार और प्रेस कीजिए, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये देखिए साइज बढ़ रही है। इसके बाद से अगर कंट्रोल के साथ ये बटन प्रेस कीजिएगा यानी ओपन वाला स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये साइज घटती हुई चली जाएगी। तो ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा एक्सटेंशन की बात कर रहा था मैं, तो देखिए अब इसको सेव करने की बारी है, तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। अभी हम लीब्रा ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, सेव एज की विंडो खुल रही है। तो यानी कि सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं यहां पर भी, ठीक है। अब यहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहां पे ये नाम दे दिया हमने, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। लीब्रा राइटर की फाइल है ये, और इसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, ठीक है। अब इसके फाइल की एक्सटेंशन हमें पता करनी है। एक्सटेंशन कैसे पता चलेगा, तो जहां इस फाइल को सेव किया वहां चलना है, तो यहां पर आएंगे और ये देखिए यहां पर लीब्रा राइटर की ये फाइल है, यही है। अब यहां पर राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में चलना है हमें। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, आए प्रॉपर्टीज पे। अब यहां पे देख सकते हैं डॉट ओडीटी, यहां पे देखिए ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी ODT का क्या मतलब होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। और इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, ODT, ठीक है, यही है ना, ODT दिख रहा है, पता चल रहा है ODT है किसके फाइल की एक्सटेंशन, लीब्रा ऑफिस राइटर की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहां से अल्ट के साथ टैब प्रेस करता हूं, एमएस वर्ड की बात करते हैं। एमएस वर्ड खुल गया, अब कंट्रोल के साथ एस प्रेस कीजिए, ठीक है, ये ओपन हो गया, ठीक है, सेव की विंडो ओपन हुई। अब इसको सेव करता हूं, इसको भी हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे, तो यहां से डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूं और यहां से सेव पे क्लिक कर देता हूं, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव तो हो गया, लेकिन अब देखना है हमें कि इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। तो किस नाम से सेव किया था, ऑन इंसर्ट करके सेव किया था हमने, तो ओ प्रेस करता हूं, तो ये देखिए यही है ना, यहां पे ऑन इंसर्ट करके आ रहा है। अब इस पर राइट क्लिक करता हूं और यहां से प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं डॉट डीओसी एक्स आ रहा है, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट 2016 वर्जन यूज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई ये डॉट डीओसी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें, बेसिक चीजें क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर की, जिसके लिए हमने आपको ये बताया है, ठीक है।
तो यहां पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, ठीक है। इसका फॉर्मेट देखिए कैसा है, इसको मैं कलर अलग से भी प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे कलर मैं दे देता हूं, ये रेड कलर कर देता हूं, ठीक है। ये पूरा ही कलर रेड हो गया है और बोल्ड भी है। अगर दोबारा आप बोल्ड बटन प्रेस करेंगे यानी कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये वापस से बोल्ड वाला सिचुएशन हट जाएगा। यहां से देखिए ये विदाउट बोल्ड हो गया, अब ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक हो गया। कंट्रोल आई दोबारा प्रेस किया, इटैलिक हट गया। कंट्रोल आई प्रेस किया, इटैलिक लग गया। कंट्रोल आई प्रेस किया, इटैलिक हट गया। तो ये दोबारा से प्रेस कर देने से वही इफेक्ट हट जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, फॉर्मेट पेंटर का यूज ये है। अच्छा, शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की यहां पे है कंट्रोल शिफ्ट सी। अगर इस फॉर्मेट को कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस किया हमने तो ये फॉर्मेट हो गया कॉपी, ठीक है। आप अगर शॉर्टकट की नहीं प्रेस करना चाहते तो यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द पैसेज। जैसे कि ये पैसेज पूरा हमें सेलेक्ट करना है, यही फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। अभी एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बन गया है हमारे सामने, देखिए ब्रश जैसा दिख रहा है। अब इसी को माउस का लेफ्ट बटन दबा लीजिए और इसको फिर छोड़ना नहीं है, फिर ऐसे प्रेस करते हुए चले जाइए, जहां तक आप जाएंगे वहां तक का फॉर्मेट सेम हो जाएगा। जो ऊपर वाला रेड कलर का फॉर्मेट है वही कलर, जैसे ही आप छोड़ेंगे माउस तुरंत वही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। देखिए अप्लाई हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो ये है फॉर्मेट पेंटर। लेकिन जब लिब्रा राइटर की बात करते हैं तो यही चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। क्या चेंज हो जाएगा, अब लिब्रा राइटर पे आ जाते हैं। तो यहां से लिब्रा राइटर को ओपन कर लेता हूं। अब ये लिखा हुआ है आई एम स्टूडेंट, अब इसको इसका भी कलर मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। और नीचे आता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लैक कलर कर देता हूं। ऊपर का हिस्सा कैसा है, बोल्ड भी है और कैसा है, रेड कलर का है, ठीक है। अब इस हिस्से को हम पकड़ेंगे, ठीक है। इस हिस्से को सिलेक्शन में लिया, यहां पर फॉर्मेट पेंटर नाम की कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर यहां नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको मिलेगा क्लोन फॉर्मेटिंग। देखिए ये ब्रश जैसा जो दिख रहा था आपको एमएस वर्ड में, ये ब्रश जैसा यहां दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे ये जो ब्रश है ना, इसी को बोलते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। और आपको इस पे करना होगा क्लिक, क्लिक कर दिया। ध्यान रखिए कि जिस चीज का फॉर्मेट आप कॉपी करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्शन में ले लीजिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए जैसे इसको हमने सिलेक्शन में ले लिया, यही फॉर्मेट हमें कॉपी करना है ना, इसको सिलेक्शन में लिया, यहां पर क्लिक कर दिया। अब फिर यहां से इसको इसी पर रखते हुए चले जाएंगे, रख दिया। अब देखिए सेम फॉर्मेट का ये भी हो गया है, दोनों का फॉर्मेट सेम हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। तो ये होता है, ठीक है। तो इससे कुछ बात समझ में आई कि नहीं। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये जो ये तो हमने ओपन किया लिब्रा राइटर, ठीक है। थोड़ा सा हम यहां पर एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्लिक कर देता हूं, ये 2007 वर्जन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ओपन हो रहा है। आपको पता है एक्सेल अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, यानी कि आपको सैलरी स्लिप बनानी हो, ठीक है, अटेंडेंस शीट बनानी हो, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करने हो, तो उसके लिए एक्सेल यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं 66, ठीक है, और यहां पर लिख दिया 88। इन दोनों को ऐड करना, ऐड माने जोड़ना है, ठीक है। तो हम एक्सेल का यूज करते हैं, और एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू होगा तो किससे शुरू होगा, बराबर के निशान से शुरू होगा, इज इक्वल टू के निशान से शुरू होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये ABCD और 1 2 3, ये ऐसे नहीं दिया हुआ है, फालतू का थोड़ी दिया हुआ है। इसका मतलब है ये सेल एड्रेस है। कैसे सेल एड्रेस है, देखिए पूछता है ना कि सेल कैसे बनता है, तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम वो बन जाती है सेल। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना। जैसे देखिए यहां पर ये लाइन जो है और ये लाइन, इन दोनों लाइनों को यहां पे ये काट रही है, ये देखिए चारों यहां पे ये लाइन इधर से आ रही है, ऊपर से एक लाइन आ रही है, इधर से आ रही है और फिर नीचे से भी आ रही है, तो ये चारों यहां पे कट हो रही है ना, एक है ठीक बात, यहां पे देखिए कट हो रही है ना, फिर यहां पर भी वही हो रहा है, फिर यहां पर भी वही हो रहा है, फिर यहां पर भी, तो इसके इंटरसेक्शन से एक सेल बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो सेल है, ये जहां पे 66 लिखा हुआ है, फिर 88 लिखा हुआ है, इसका कुछ एड्रेस है भाई। हम जहां रहते हैं उस जगह का कुछ तो पता होता होगा, इसी तरह से इस सेल का एड्रेस है, इसीलिए ये ABCD और ये 1 2 3 बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए एक्सेल कारगर हुआ सेल एड्रेस के चलते, इसे हम सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, तो अब देखिए ये जो है इस स्टाइल में आ गया है, और यहां B1 लिखा हुआ आया है। अब ये B1 का मतलब है क्या, मतलब है देखिए ये B कॉलम है, यहां पे दिख रहा है B, ये कॉलम है, और ये 1 दिख रहा है साइड में।
अब ये दोनों हाईलाइट हो चुका है, देखिए ये वन हाईलाइट है, ठीक है। अब चूंकि डी में है तो डी हाईलाइट है, और यहां बी जो है तो ये बी वन हो गया है, दोनों को मिला करके आएगा। कभी भी सेल एड्रेस दोनों को मिला करके, एक रो होता है एक कॉलम होता है, दोनों को मिला के ही सेल एड्रेस होता है, ठीक है ना। ये हो गया बी वन। अब यहां पर कर देता हूं प्लस, प्लस का निशान लगा दिया, प्लस का निशान लगाना बहुत ही आसान है, दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस लगा दिया। अच्छा अब दूसरा क्या है, ये क्या है, इसका क्या एड्रेस है बेटा, C1, वेरी गुड। या तो आप हाथ से लिख दीजिए या तो यहां क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर देता हूं तो C1 आ गया अपने आप, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंटरप्रेस करें, एंटरप्रेस कर दिया। अब इस सेल एड्रेस का एक खास मतलब होता है, क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहां की वैल्यू चेंज कर दोगे, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर लिख दिया हमने, अभी 88 है, मैं यहां पर 90 कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी, यहां पर जो आपका टोटल आया है यहां पर चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो यही फायदा है सेल एड्रेस का, चेंज ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, और कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक्सेल हो गया, अच्छा इसको सेव कर रहा हूं, ठीक है, फिर देखो सेव कर रहा हूं, तो यहां सेव पे चला गया मैं, सेव पे क्लिक किया, कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं आप, मैंने वहीं क्लिक कर दिया, और यहां पर आके और डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े। अब ये बुक वन के नाम से सेव हो रहा है, चलिए बुक वन ही रहने देते हैं, आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है हमें डेस्कटॉप पे, और यहां से सेव पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया, अब ये सेव हो गया। अब सेव होके कहाँ गया होगा ये देखिए, सेव होके गया है ये डेस्कटॉप पे, ये बुक वन है ना, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर दीजिए आप, तो ये बुक वन यहाँ पे आ गया है, इस वजह से नहीं दिखाई पड़ेगा। अब इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक कर दिया माउस से, और अब प्रॉपर्टी पे चलता हूँ, प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ पे देखिए इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, हाँ, जब भी 2007 वर्जन की बात होगी तो .xls होगा एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है, इसी से पहचानेंगे कि ये फाइल एक्सेल की है, ठीक है। और 2007 के वर्जन्स के बाद के वर्जन्स की बात की जाए तो उसके लिए हम .xls x कर देते हैं, चाहे 2010 हो, 2011 हो, 2016 हो, तो ये 16 ही यूज कर रहा हूं मैं, 2016 वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे .xls x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्सेल हो गया। एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर आपको लिब्रा ऑफिस में भी मिल जाता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है भाई, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए इसको क्लोज कर देता हूं, और अब हम क्या ओपन करेंगे, एक बार फिर से ओपन करते हैं लिब्रा, ये ओपन किया। अब यहां पे जैसे ही लिब्रा मैंने टाइप किया तो यहां पर देखिए लिब्रा से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं, ये लिब्रा ऑफिस है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। राइटर आप देख चुके हैं, अभी देखा आपने, अब यहां लिब्रा कैल्क की बात करेंगे, जो एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर लिब्रा ऑफिस में हमें मिल जाता है उसे कहते हैं लिब्रा कैल्क, और फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है .ods, ठीक है। एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट का मतलब जो रो और कॉलम से मिलकर बना हो, इसी तरह से लिब्रा कैल्क भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से इसे ओपन कर लेता हूं, इसमें भी सेम वही काम होता है लेकिन एक्सटेंशन अलग है, ठीक है। तो यहां पे आ गए, अब यहां पे आकर के जैसे मान लीजिए यहां 7 लिख दिया, यहां 9 लिख दिया, इन दोनों को ऐड करना, जोड़ना है, तो इसमें भी बिना इक्वल टू के फॉर्मूला शुरू नहीं होगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यहां 7 कर दीजिए और प्लस 9 कर दीजिए तो ये आपको ऐड करके दे देगा, ये ऐड नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। तो फिर ये बेकार हो जाएगा सॉफ्टवेयर हमारे लिए, इसलिए जरूरी है कि इज इक्वल टू लगा के लिखिए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ प्लस का निशान लगाना है, लगा दिया। अब क्या है, C3 है, क्या है C3, तो C3 हम हाथ से टाइप कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देखिए 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसी तरह से आप ये काम कर सकती है। अब इसको हम सेव करते हैं, मैंने बताया था कि इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है .ods, तो क्या सही में होती है, तो कंट्रोल एस प्रेस कर लेते हैं इस बार, कंट्रोल एस प्रेस किया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूं और इसको नाम दे देता शीट, ये नाम दे दिया हमने, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव हो गया ये। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ओपन हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें राइट क्लिक करके इसको देखना है, ठीक है, स्प्रेडशीट के नाम से सेव किया था, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक कर देता हूं और यहां पे प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि इसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .ods होती है कि नहीं, यहाँ पे है ना, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्सेल को बाई डिफॉल्ट इसमें बनाया है, दैट्स वाई ये एक्सेल का आइकन यहाँ पे आ रहा है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से आप ये करेंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है।